नमस्कार, प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर, नेपाल भर्ती परीक्षा में नकल कराने का मामला। नेपाल भर्ती परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों का आरोप, कुछ अभ्यर्थी परीक्षा में कर रहे थे नकल। स्कूल प्रशासन की ओर से नकल कराने का लग रहा आरोप, अभ्यर्थियों के पास मिला आंसर सीट की कटिंग। चुलिंदा, परीक्षार्थियों के नकल कराने पर बिफरे परीक्षार्थी, मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। नकल होने से परेशान परीक्षार्थी कर रहे हंगामा, मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी पड़ताल में जुटी। नेपाल की परीक्षा में पकड़ा गया मुन्ना भाई, एसटीएफ कानपुर यूनिट के नकल करते पकड़ा। प्रयागराज में बैठा व्यक्ति पूरे प्रदेश में कर रहा था नकल, इलेक्ट्रिक डिवाइस के जरिए नकल कर रहा था आरोपी। आरोपी के पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद, एसटीएफ और पुलिस आरोपित को हिरासत में लेकर कर रही पूछताछ। गोविंद नगर के माया देवी बालिका कॉलेज सेंटर में पकड़ा गया आरोपी। हम लोग पे आरोप लगाना चाह रहा है, उसकी छेड़खानी कर रहे हैं। छेड़खानी कर रहे हैं आप लोग, वो सब भी बोल रहे हैं। अरे उससे तो लिखे यार, क्या किस तरह की दिक्कतें आई परीक्षा के दौरान? नीचे से जाके पहले लड़कों को मतलब शीट बनाता है, नीचे आके रूम में शीट बना के वो ले जाके मतलब क्लास में बच्चों को देता है। वो शीट लड़के भरते हैं, भरते समय लड़के ने वहाँ पकड़ के लड़कों ने पकड़ा, और पकड़ने के बाद लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। उसका प्रवेश पत्र और उसके बाद जो पेपर सॉल्व करने के लिए दिया गया वो सब बरामद हुआ है। लड़की परीक्षा देने आई थी? परीक्षा देने रितु सिंह लड़की का नाम था, रितु सिंह। तो क्या मतलब, क्या आप लोग की डिमांड है? हम लोग का डिमांड ये है कि जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित लेखपाल मुख्य परीक्षा वर्ष 2022 का आज आयोजन हुआ है। प्रयागराज यूनिट एसटीएफ ने एक सराहनीय कार्य करते हुए सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़ किया गया है, जिसमें 3 सदस्य इसके गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके नाम विजयकांत पटेल, दिनेश कुमार यादव और सोनू कुमार पुत्र छोटे, तीनों थाना बहरिया जनपद प्रयागराज के निवासी थे। इनके द्वारा जो ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से क्वेश्चंस का आंसर बताया जा रहा था, जो अभ्यर्थी डिफरेंट कक्ष में परीक्षा दे रहे थे, ऐसे 2 अभ्यर्थियों को, पुष्पेंद्र और जयसिंह पटेल को क्रमशः एसटीएफ की वाराणसी इकाई और कानपुर इकाई ने वहाँ परीक्षा कक्ष से उनको गिरफ्तार किया। इन सबसे पूछताछ में ये भी तथ्य सामने आए कि 4 अन्य अभ्यर्थी भी थे जो कि ब्लूटूथ डिवाइस के साथ इस एग्ज़ाम में अपीयर होने थे, परंतु सेंटर पे कड़ी चेकिंग के कारण उन्होंने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। इस तरह इस गैंग का भंडाफोड़ हुआ है, साथ ही साथ इनके कब्जे से ब्लूटूथ डिवाइस, अन्य सर्वर्ती उपकरण, कार, कैश इत्यादि बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि आज जनपद प्रयागराज में चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज करेली में परीक्षा समाप्त के बाद वहाँ पे एक शिकायत मिली कि अभ्यर्थी को चिट के माध्यम से नकल कराई जा रही है। प्राप्त शिकायत को तत्परता से लेते हुए पुलिस ऑफिसर्स और मजिस्ट्रेट वहाँ मौके पे पहुँचे, सीनियर पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट पहुँचे और उनके द्वारा इसकी जांच की जा रही है। किसी भी तरह की अनियमितता के तथ्य प्रकाश में आएंगे तो वैसी स्थिति में कड़ी विधिक कार्रवाई इसमें सुनिश्चित कराई जाएगी। अब तक जितनी भी जो भी तथ्य प्रकाश में आए हैं उसके अनुसार पेपर लीक होने का कोई भी मामला प्रकाश में नहीं आया है। सॉल्वर गैंग और नकल की जो शिकायत है इसमें ऑलरेडी एसटीएफ प्रयागराज यूनिट तथा अन्य इकाइयों ने सराहनीय कार्य करते हुए गैंग को पकड़ा है, और जैसा अवगत कराया गया है कि चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज की भी शिकायत मिली है, उसमें तत्काल जांच चल रही है और जैसे ही कोई किसी तरह की अनियमितता सामने आएगी तो तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर कड़ी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।